कहते हैं ना कि अगर आपके हौसलों में जान होती है तो कोई भी मंजिल उस तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक वैसा ही बिहार के रहने वाले और पटना जिला के फतुहा के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता जी ने कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिया है, बिहार में फतुहा का नाम रोशन किया है। चलिए आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। सबसे पहले हमारे न्यूज बीडी टीम की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, बीपीएससी का आपने क्रैक किया है उसके लिए। क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि लोगों को आपके बारे में अच्छे जानकारी हो सके। सबसे पहले आपको नमस्कार, और आपके चैनल के थ्रू माध्यम से जो भी दर्शक श्रोतागण देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और आपकी बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, जैसा कि आपने बताया पटना जिला के फतुहा ब्लॉक के सुनारू गांव से बिलोंग करता हूँ, और मेरे पापा जी का किराना दुकान था और दो कैटल थे, एक गाय था एक भैंस थी और अनाज वगैरह भी हम खरीदते थे। तो एक फैमिली बिजनेस टाइप का था जिसमें सभी लोग काम करते थे, और शुरुआती जो शिक्षा है वो हमने गांव के ही स्कूल जो मिडिल स्कूल है 8वीं तक वहाँ से की। थोड़ी सी अटेंडेंस मेरी लो रहती थी और मैं अपने एजुकेशन को थोड़ा सा ट्यूशन जो गांव में अवेलेबल थी उसके थ्रू सप्लीमेंट करता था। तो ट्यूशन में मैथ्स और इंग्लिश पे काफ़ी अच्छे कमांड बन गए थे। नाइन्थ और टेंथ के लिए हाई स्कूल फतुहा गया, वहाँ से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद 11 ट्वेल्थ के लिए SKMB कॉलेज फतुहा में एडमिशन लिया। तो हम मेरा 12th तक का पढ़ाई जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ है, और पढ़ाई के साथ साथ हम लोग का काम करना भी रहता था। 11th 12th में जब मैं IIT का प्रिपरेशन चालू किया तो मैं पटना जाने लगा ट्रेन से पटना जाता था और क्लासेस करके मैं वापस आता था, और 12th क्लास में 10 महीने के लिए मैं वहाँ पे रूम लेकर के पढ़ाई चालू की थी, सीरियस प्रिपरेशन करने की कोशिश किया था। तो पहले ही अटेम्प्ट में IIT क्रैक करके IIT रुड़की में एडमिशन मेरे को मिला था। BPSC का सफ़र कब से शुरू हुआ, आपने कब से इसका तैयारी करना शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ, जैसा कि आपको बताया कि मैं IIT रुड़की में गया था 2008 से 12 के बीच में, अपना BTEC जो है पेपर टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया, और ये जो UPSC और BPSC पब्लिक सर्विस का जो गोल था वो 2009 में ही एक स्पार्क डेवलप हो चुका था, क्योंकि मैं 2009 में भवन काउंसलर के रूप में इलेक्ट हुआ था। उस समय मैं सेकेंड ईयर में था, उस समय मैं काफ़ी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन हैंडल कर रहा था, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब हेड कर रहा था प्लस क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी था, तो एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक्सपीरियंस बन रहा था। तो कॉलेज के बाद मैंने ऐसे प्लेटफॉर्म को चुना जहाँ पे कि सिविल सर्विसेज के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हो और प्लस जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है वो भी रिजॉल्व हो जाए। तो मैंने 5 साल के लिए जॉब किया 2012 से 2017 तक। मैंने IIT के लिए लोगों को, बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। ये ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मेरे को ढेर सारे बच्चे पेरेंट्स मिलने वाले थे, एक पब्लिक सर्विस का आइडिया लगने वाला था, और प्लस यहाँ पे कम ट्रेनिंग के कॉस्ट पे मैं अच्छा कंट्रीब्यूट कर सका था। 2017 में मैंने अपना जॉब छोड़ा, उसके बाद मैंने होल हार्टेडली UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। 2018 दिसंबर में इसका प्रीलिम्स था, एक महीना पहले से बिहार स्पेसिफिक जो चीज़ें होती हैं उनको कवर कर लिया था, प्रीलिम्स हो गया। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो जो एक्स्ट्रा सिलेबस था मैथ्स का उसको भी कवर किया 2-3 महीनों में, और फिर UPSC का प्रीलिम्स दिया, फिर BPSC का मेंस लिखा। तो जो 2018 में BPSC लिखा था वो फर्स्ट टाइम था, उसी का ये रिजल्ट आया है जिसमें कि मेरे को फर्स्ट रैंक हासिल हुई। और लास्ट ईयर मैंने UPSC के इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ था, इस साल भी मैंने UPSC मेंस क्लियर किया हुआ है। इंटरव्यू 2 जून को होना वाला था बट कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया, वो पेंडिंग है। तैयारी के बारे में कुछ बताइए कि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज मिल सके, जैसे BPSC UPSC की तैयारी। ऐसे भी लोगों कहते हैं कि बिहार के लोग UPSC और BPSC में कमाल करते हैं, साथ खास करके UPSC में, उसके तैयारी के बारे में बताइए। देखिए तैयारी तो अब जैसे कि अगर हम UPSC BPSC का एक साथ करना चाहते हैं तो उसके लिए तो इंटीग्रेटेड तैयारी करना पड़ेगा, उसकी अलग स्ट्रैटेजी होगी। अगर मैं केवल BPSC स्पेसिफिक होना चाहता हूँ तो उसकी अलग स्ट्रैटेजी होगी। तो अगर मैं UPSC प्लस BPSC पे फोकस करूँ तो उसमें ये आती है कि आप पहले बेसिक किताबें जो होती हैं GS के, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इनकी आप उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, एक बार पढ़िएगा हो सकता है आपको समझ में ना आए, पेशेंस रखिए, दोबारा पढ़िए बहुत कुछ समझ में आएगा, तिवारा पढ़िएगा तो उसकी स्पीड बनने लगेगी, और चौथी बार में एक स्पीड बन जाएगी।
जब आपका एक बेसिक कमांड बेसिक बुक पे हो जाए तब आप न्यूज़पेपर पे उनको अप्लाई करना शुरू कीजिए। पहले आप न्यूज़पेपर बहुत टाइम मत दीजिए, आप हेडलाइन देखते रहिए, लेकिन जब आपको नॉलेज हो गया तब उनको अप्लाई करना शुरू कीजिए। उसके बाद फिर करंट अफेयर का आता है। करंट अफेयर में जो इश्यूज़ कवर होते हैं उनको डीपली स्टडी करना जरूरी है मेंस और इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वो नॉलेज नहीं रहेगा तो हम होलिस्टिकली क्वेश्चंस को कवर नहीं कर पाएंगे इंटरव्यू और मेंस लेवल पर। जब बीपीएससी की बारी आवे तो एक महीने या डेढ़ महीने दो महीने पहले से बिहार स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं सिलेबस को देख करके कवर कर लिया जाए। तो ये दोनों का यूपीएससी प्लस बीपीएससी का इंटीग्रेटेड तैयारी हो गया। अच्छा। और रही बात ऑप्शनल का, तो ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ डिफर करते हैं। आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था और उसी सब्जेक्ट को आपने क्यों सेलेक्ट किया? मेरा तो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और ये नेचुरल चॉइस ही बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि नेचुरल चॉइस मैंने एज इट इज़ मान लिया। मैंने इस पर स्टडी किया कि ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में मेरे को एडवांटेज था, कम्पिटेटिव एडवांटेज था ये कि एक तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वहाँ मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा है, मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट भी रहा है, एक तरह से एप्टीट्यूड भी है उनके क्वेश्चन को हैंडल करने का, 5 साल मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया भी है। तो एक जो प्लस टू लेवल तक का नॉलेज होता है वो तो मेरे को पहले से ही है। तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट कंप्लीट करना है ग्रेजुएशन लेवल का वही रह गया। अगर मैं कोई और सब्जेक्ट लेता तो प्लस टू लेवल तक का नॉलेज जीएस के लिए है बट ग्रेजुएशन लेवल के लिए करना पड़ता। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैथ्स लेने में मेरे को कोई हार्म नहीं। वही अगर ह्यूमैनिटीज़ वाला कोई आदमी कोई कैंडिडेट मैथ्स लेगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी। तो मैथ्स में क्या है कि एक बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में बैकग्राउंड उतना एसेंशियल नहीं है। तो मैथ्स के साथ मेरा कंपटीटिव एडवांटेज था, इसलिए मेरे लिए नेचुरल चॉइस मिल गया। कुछ अपने यूपीएससी के जो कहता है कि यूपीएससी और बीपीएससी का जो इंटरव्यू होता है सबसे टफ होता है, तो बीपीएससी के इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए। इंटरव्यू और चाहे यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत टफ होता है। ऑल्दो कि यूपीएससी के इंटरव्यू में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे मार्क्स कम है यूपीएससी के इंटरव्यू में, मुझे लगता है बीपीएससी के इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे होंगे। क्यों ऐसा है मार्क्स के अंतर का गैप? इसमें जो है यूपीएससी के इंटरव्यू के टाइम पे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट वाइज या फिर माइंड वाइज एक तरह से कोलैप्स, रात को नींद नहीं आया था, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस की कमी थी, नॉलेज की भी उस समय बहुत कमी थी, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी एक तरह से सही से नहीं काम कर रहा था। वही बीपीएससी में मैं गया, मैं बहुत काम था, कंपोज था, कॉन्फिडेंट था और माइंड को सीधे सीधे अप्लाई कर रहा था, क्वेश्चन को सुन रहा था आराम से, कोई अब्रप्टली जवाब नहीं, कोई रिएक्शनरी जवाब नहीं, आता है तो उसको रिप्लाई किया, नहीं आता है तो सॉरी सर बोल के मना कर दिया। बहुत रिलैक्सफुल वाला इंटरव्यू चला था। मुझे लगता है कि अगले इंटरव्यू में यूपीएससी के जो इंटरव्यू होगा उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कुछ फैमिली मेम्बर के बारे में बताइए, कौन कौन है घर में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरे पेरेंट्स हैं, पापा हैं, मम्मी हैं। पापा का नाम विंदेश्वर प्रसाद साव, मम्मी का नाम सूर्यवंती देवी, और मेरे 3 भाई हैं, 2 बड़ी सिस्टर हैं। तो दोनों जो बड़ी सिस्टर है वो ग्रेजुएट होकर के मैरिड हो गई है, और बाकी जो 3 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ, और मेरी एजुकेशन तो आपको पता ही है। और मेरे 2 भाई NIT से पढ़े हुए हैं, एक NIT भोपाल से है, एक NIT जयपुर से, और जो NIT भोपाल से पढ़ा हुआ है वो HMEL टेक्नोलॉजी में अभी जॉब कर रहा है, और एक तरह से पूरे फैमिली को फाइनेंशियली अभी वही सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आपके तरफ से BPSC और UPSC के स्टूडेंट्स के लिए कोई ख़ास मैसेज या कैसे क्या कर रहे हैं आगे जाके, जो इस बार पास नहीं कर पाए हैं, रैंक नहीं ला पाए, अच्छा उनके लिए? देखिए, UPSC और BPSC का जो प्रिपरेशन है ये थोड़ी सी चैलेंजिंग है, इसमें अनसर्टेनिटी हर एक लेवल पर रहती है, और जब किसी भी लेवल पे फेलियर होता है तो एक कोलैप्स जैसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा पूरा साइकिल। कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा कोई नहीं जानता, और बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगी होती हैं। तो एक बहुत बड़ा एक प्रयास होता है UPSC और BPSC जैसे सर्विसेज में सेलेक्ट होने के लिए। मैं कहता हूँ हिम्मत बहुत जरूरी है, संयम की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आएंगे। अगर संयम से हम काम नहीं लेंगे तो हो सकता है कि हम अपने मार्ग से विचलित होकर के वैसी जगह चले जाएं जिससे कि पूरा का पूरा जो प्रीवियस मेहनत था वो सब बर्बाद हो जाए। हिम्मत की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है, और आत्मविश्वास की भी ज़रूरत है कि हाँ हम कर सकते हैं।
इस बार नहीं तो अगली बार कर सकते हैं। और सही स्ट्रैटजी, अब सही स्ट्रैटजी कैसे, तो उसके लिए आपको बार बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के आगे जाके भी हो सकता है कि आपको जो सही स्ट्रैटजी तक पहुंचने के लिए रास्ता जो उसमें इंटरेस्ट ही ना हो और आप उसी रास्ते पर चल रहे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, बट वो आपको रास्ता मुकाम तक नहीं ले जा सकती, तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर का कारण हो सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि इंटरेस्ट तो है बट इंटरेस्ट के बियॉन्ड भी जा करके हमें मेहनत करना पड़ सकता है। आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मेरा फ्यूचर प्लान तो यही है कि जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है अपने कंट्री का, उसमें एक प्रॉबिटी के साथ काम करें, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी करें जो इफ़िशेंट भी हो और इफ़ेक्टिव भी हो, लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़े, लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निदान हो, और लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग मैं काम कर सकूं कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में रहते हुए। एक और सवाल है जो, जैसे कि आपको क्या उम्मीद थी कि बीपीएससी का इस बार आप टॉपर बनेंगे, क्या उम्मीद थी, कितना रैंक का अपेक्षा था और आप टॉप हो गए, कैसा लगा उस समय जब आपको पता चला कि आप टॉप कर गए हैं? देखिए, 1 जनवरी को मेरे को एक सपना आया था सुबह सुबह कि मेरे को बीपीएससी में रैंक 3 मिला है, और मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। लोग बता रहे थे कि तुमको रैंक 3 मिला है, अनबिलीवेबल लग रहा था, फैमिली वगैरह भी आ रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे। तो मुझे इस एग्ज़ाम से बहुत उम्मीद नहीं था कि मैं इस टॉप रैंक में आऊँगा, बट 65 वाला जो नेक्स्ट जो अटैम्प्ट दिया है उसमें बहुत शानदार आंसर लिखा है, और उसमें तो मेरे को पहले से ही डिक्लेयर कर दिया था कि उसमें SDM और DSP पक्का है। तो इसमें तो मुझे टॉप रैंक की तो उम्मीद नहीं थी, बट बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं वो मैथ्स के परफॉर्मेंस को देख करके बोल रहे थे यू विल गेट टॉप रैंक, बट मैं अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता था ताकि मैं जो पढ़ाई है, जो काम है, उस पर फोकस कर सकूं। आप फिजी में और कई कोचिंग में भी पढ़ा चुके हैं, वहाँ के स्टूडेंट भी मैसेज कर रहे हैं आपको, उसके बारे में कुछ बताइए। ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो लोगों का प्यार है, जो हमने मेहनत किया है उसका नतीजा है कि बच्चे आज भी हमें याद करते हैं और उनको प्राउड फील हो रहा है कि हमारे सर जो हैं किसी ऐसे मुकाम को हासिल किए हैं जिससे कि प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है। ये खुशी की बात है। जिन कलीग्स के साथ मेरा ऐसा इंटरेक्शन रहा है कि वो मेरे परफॉर्मेंस से प्राउड फील कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है और ये गर्व की भी बात है। आप इस उपलब्धि के लिए किन्हें आप अपना आइडियल मानते हैं, किन्हें आपको लगता है कि इन्हीं के कारण मैं बीपीएससी का आज टॉपर हुआ हूँ? मैं इस पूरे प्रिपरेशन के लिए मैंने फैमिली को बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि फैमिली मेरे को स्ट्रांगली सपोर्ट किया है, उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट किया है, क्योंकि 4 साल तक बिना इनकम का फैमिली चला केवल सेविंग के दम पर, और मैं बहुत अच्छी पैकेज छोड़ करके इस प्रिपरेशन में आया था, मेरा 30 लाख का पैकेज था। तो पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, उसके बाद जो भाई बहन है, इसके साथ जो टीचर्स हैं जिन्होंने अपना गाइडेंस सोशल मीडिया पर डाला, या फिर जिन टीचर्स के साथ मैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प ले रहा था, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको भी श्रेय देना चाहता हूँ। और वैसे दोस्त जिनके साथ मैं इंटरेक्शन कर रहा था और इंटरेक्शन के साथ नई नई स्ट्रैटजी वर्क होल के आ रही थी मेरे दिमाग में, जिनको मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उनका भी इन प्रिपरेशन में बहुत योगदान है। आपने जहाँ से स्टार्ट किया था अपना बचपन का पढ़ाई, उसके बारे में थोड़ा बताइए, उनके टीचर के बारे में बताइए थोड़ा, ताकि लोगों को मिले कहाँ से आपका बेसिक नॉलेज इतना ज़्यादा मजबूत हुआ कि आप जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, मैं तो 12th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और बहुत कंट्रीब्यूशन है कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल ना होता तो शायद मैं प्राइवेट स्कूल अफोर्ड ना कर पाता, तो मैं एजुकेशन में एंटर ही नहीं कर पाता। मैं जो ट्रेडिशनल वर्क था उसी को करने पे मजबूर होता। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे इश्यूज हैं, फंडिंग का इशू है, टीचर का कमी है, लेकिन फिर भी जो एक गाइडेंस मिला है उससे एक चिराग जो है पढ़ाई का वो जलती रही। सप्लीमेंट्री ट्यूशन लिया बट वो सप्लीमेंट्री था, लेकिन जो अटेंडेंस जो भी दिया मैंने वहाँ पर, उससे सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता गया, और 10th तक मैथ्स और इंग्लिश और साइंस पे भी ठीक ठाक कमांड था। उसके बाद जो SKMB कॉलेज से पढ़ा, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि और काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मैं अटेंडेंस दिया हूँ लेकिन अटेंडेंस वहाँ पे मेरी थोड़ी सी कम रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे चैनल के साथ इंटरव्यू दिया है। आपका फ्यूचर ब्राइट हो और बिहार को और आप आगे लेके जाएं, यही उम्मीद करते हैं। तो लास्ट मैसेज आपकी तरफ से क्या रहेगा हमारे चैनल और बिहार के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपने इस प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए मेरे को मौका दिया। और मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा, संयम से काम लेना चाहिए, सत्य के साथ रहना चाहिए। सत्य में बहुत सारे ऐसे वैल्यूज़ हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि सत्य की बहुत प्राइसेस होती है, वो टेम्पररी होती है, बट अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो जो वैल्यूज़ उसमें इनहेरिटेड हैं उसको आप अपनाइए, मेहनत करिए, विश्वास रखिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि BPSC के टॉपर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने इंटरव्यू दिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा कुछ नहीं, थैंक यू।